जानकारी स्कूली छात्रों से जुड़ी हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये मेरिटोरियस छात्र हैं। देखिए, स्कॉलरशिप स्कीम का लाभ अभी तक किसी भी छात्र को नहीं मिल पाया है। फिर चाहे केंद्र से मिलने वाली स्कॉलरशिप स्कीम को लेकर जानकारी दे या राज्य की ओर से मिलने वाली स्कॉलरशिप को लेकर बात करें, कारण इसका बड़ा ये है कि 30% छात्र ऐसे थे मेरिटोरियस जिन्होंने अपने बैंक अकाउंट के साथ आधार कार्ड ही लिंक नहीं किया था। तो ये आधार सीडिंग जल्दी की जाए, ये आग्रह भी किया जा रहा है और आदेश भी जारी किए जा रहे हैं शिक्षा विभाग की ओर से सभी स्कूलों के प्रमुखों को। हालांकि स्कूल और कॉलेज के छात्र इसमें शामिल है क्योंकि ये प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रों के लिए जानकारी फिलहाल हम लेकर आए हैं। बहुत सारे छात्र 30% छात्र ऐसे बताए जा रहे हैं जिन्होंने ये गलती की है, या तो फॉर्म भरने में कोई गलती कर दी है या फिर इनके जो आधार कार्ड थे वो इनके बैंक खाते के साथ लिंक नहीं थे। और ज्यादा देरी इसमें होगी तो फिर इन्हें स्कॉलरशिप से वंचित भी रहना पड़ सकता है, इसलिए दोबारा से एक आग्रह ये किया गया है और आदेश जारी हुए हैं सभी स्कूल और कॉलेजेस के प्रमुख को कि छात्रों को इस बारे में अवगत करवाया जाए। हालांकि एक और जानकारी भी इस दौरान हमारे समक्ष आई है कि कुछ एक शातिर फेक कॉल कर रहे हैं छात्रों को और इस बीच उनके आधार कार्ड को लेकर डिटेल्स मांग रहे हैं, बैंक खाते को लेकर भी डिटेल्स ले रहे हैं। इस बीच सावधानी रखनी होगी छात्रों को, उन्हें पहले ये कंफर्म करना है कि जो आगे से कॉल आ रही है या तो विभाग का ही अधिकारी हो या फिर उनके स्कूल प्रशासन के प्रमुख अधिकारी पदाधिकारी हो, तो ये जरूरी है कि उनके शिक्षक की ओर से या प्रधानाचार्य की ओर से ही कॉल की गई है इस बात को कंफर्म कर ले, या शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ओर से ही ये कॉल की गई है इस बात को कंफर्म कर ले, उसके बाद ही अपनी ये सभी डिटेल्स साझा करें क्योंकि काफी बड़ी ठगी का मामला भी इस दौरान सामने आ सकता है, इस तरह की आशंका बनी हुई है। इसलिए प्रधानाचार्यों को इस बात से अवगत करवाने के लिए भी छात्रों को कहा गया है। व्यवस्था परिवर्तन पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से आज एक बड़ा बयान दिया गया है जिसमें इनका कहना था कि बार बार राज्य सरकार की ओर से दुहाई ये दी जा रही है कि व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, लेकिन यहां तो अव्यवस्था का आलम बना हुआ है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि हिमाचल प्रदेश में आपदा आई है, इस वक्त परिस्थितियां काफी ज्यादा गंभीर है, लेकिन राज्य सरकार राजनीति करने में लगी हुई है। 15,000 से 20,000 की राशि प्रभावितों को दी जानी चाहिए थी और ये राशि केवल मंत्री दे सकते थे, सीएम अपने हाथों से दे सकते थे या अधिकारियों को ये कमान सौंपी जा सकती थी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कांग्रेस नेताओं को ये जिम्मेदारी दे दी गई, यानी कि कांग्रेस के पदाधिकारियों को ये जिम्मेदारी दी गई और वो राशि को बांटने का काम भी कुछ इस तरह से कर रहे हैं जैसे अपनी जेब से पैसे निकाल रहे हों। ये ठीक नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से जो बजट जारी हुआ है उसे लेकर आभार राज्य सरकार को व्यक्त करना चाहिए था, लेकिन बार बार सीएम सुखू ये कह रहे हैं कि एक रुपये भी केंद्र सरकार की ओर से अभी तक हिमाचल सरकार को नहीं दिया गया है। ये बिल्कुल गलत है। लगभग 360 करोड़ का बजट जारी हुआ है जिसमें से आधा बजट राज्य सरकार की ओर से प्रभावितों को बांट दिया गया है और बांटने में कांग्रेस के पदाधिकारियों को लगाया गया है। ये बड़ा बयान हम कहना चाहेंगे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से राज्य सरकार पर दिया गया है। देखिए, पुलिस प्रशासन का भी एक मामला यहां सामने आया है। ये क्योंकि प्रमोशन होनी थी और डीपीसी की प्रक्रिया इसे लेकर 2022 में ही कर ली गई थी, यानी कि पिछले वर्ष ही डीपीसी की प्रक्रिया प्रमोशन को लेकर हो गई थी जिसके मुताबिक 113 एसआई और एएसआई और हवलदार को प्रमोट किया जाना था, लेकिन 10 महीने बीतने के बाद भी इन कर्मचारियों को प्रमोट नहीं किया गया जिस वजह से ये परेशान चल रहे थे। फिर इस महीने की 17 जुलाई की तारीख को आदेश जारी होते हैं प्रमोशन को लेकर, लेकिन आधी रात से इन आदेशों को रद्द कर दिया जाता है जिसके बाद कर्मचारियों के सब्र का बांध टूटा। इनमें से एक पुलिस कर्मचारी ने हाईकोर्ट में मदद को लेकर गुहार लगाई कि उन्हें न्याय दिलाया जाए। उसके बाद हाईकोर्ट ने जब पुलिस प्रशासन से जवाब तलब किया तो पुलिस प्रशासन का इस बीच ये कहना था कि नई व्यवस्था राज्य सरकार ने की है, महीने के आखिरी 4 दिनों में ही ट्रांसफर की जा सकती है। तो हाईकोर्ट ने इस पर यह जवाब दिया कि यह तो प्रमोशन का मामला है, ट्रांसफर का नहीं है। फिर भी इसके बावजूद कोई संतुष्ट जवाब जब पुलिस प्रशासन की ओर से सामने नहीं आया तो हाईकोर्ट ने फटकार लगाई और जल्द प्रमोशन की जाए ये आदेश जारी किए। अब देखिए, ये आदेश जारी होने के तुरंत बाद ही बड़ा एक्शन पुलिस प्रशासन को लेना पड़ा। 10 सब इंस्पेक्टर्स को प्रमोट कर दिया गया है इंस्पेक्टर के पद पर। ये काफी समय से इंतजार में बने हुए थे। अब उम्मीद बंदी है कि जो बाकी भी यहां सब इंस्पेक्टर्स बच रहे हैं या एएसआई या हवलदार बच रहे हैं, इनकी प्रमोशन की प्रक्रिया भी जल्दी ही पूरी कर ली जाएगी। 10 सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर के तौर पर प्रमोट कर लिया गया है। हालांकि कोर्ट की फटकार के बाद पुलिस प्रशासन ने देखिए बड़ा फैसला लिया। हालांकि इससे पहले 10 से 12 महीने बीत गए थे, फिर 17 जुलाई को एक बार आदेश जारी भी किए लेकिन फिर उन्हें रद्द कर दिया गया, तो इस बात से ये कर्मचारी काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे और फिर इन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अब कोर्ट की फटकार के बाद जरूर यहां ये बड़ा फैसला ले लिया गया है। राहत भरी खबर उन पुलिस कर्मचारियों के लिए जो कि अपनी प्रमोशन के इंतजार में बने हुए थे। अगली बात कंडक्टर भर्ती को लेकर करना चाहेंगे क्योंकि ये भी देखिए एचआरटीसी में बड़ा मामला लटका हुआ है। लगभग 360 पदों पर ये भर्ती होनी थी जिसे लेकर पहले हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आवेदन मांगे गए, लेकिन फिर हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की कार्यप्रणाली भंग कर दी गई थी। फिर इंतजार में ही ये अभ्यर्थी बने रहे। उसके बाद ये अनुशंसा लोक सेवा आयोग को भेजी गई। लोक सेवा आयोग ने आवेदन मांगे, लगभग 44,000 के करीब अभ्यर्थियों ने आवेदन दिए हैं, लेकिन लिखित परीक्षा अभी तक इसके लिए कंडक्ट नहीं हो पाई है। अब यहां भी अभ्यर्थी सवाल कर रहे हैं कि कब तक ये रिटर्न टेस्ट होने वाला है, होगा भी या नहीं होगा। लोक सेवा आयोग अधिकारियों से जब हमने बात की तो उनका यह कहना था कि प्रक्रिया जल्दी ही इसके लिए शुरू की जाएगी, तैयारियां की जा रही है कि लिखित परीक्षा कंडक्ट हो सके, क्योंकि जब अनुशंसा भेज दी गई उसके बाद आवेदन मांग लिए गए तो लाजमी सी बात है फिर रिटर्न टेस्ट में यानी अगली प्रक्रिया में इतनी ज्यादा देरी क्यों बरती जा रही है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दौरे में भी फिर एक बार बदलाव हुआ है। पहले ये 1 अगस्त को आने वाले थे, लेकिन उसके बाद जानकारी सामने आई कि 1 अगस्त को ना आकर ये 4 अगस्त को आएंगे। लेकिन अब फिर से शेड्यूल में बदलाव हुआ है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से ये जानकारी दी गई है कि अब 1 अगस्त को ही ये फिर से हिमाचल दौरे पर आएंगे। किरतपुर मनाली फोर लेन जो प्रभावित हुआ है, विशेष तौर से मंडी में पड्ढों के आगे पूरी तरह से ये हाईवे टूटकर रह गया है, तो उसी का निरीक्षण करने के लिए आ रहे हैं। अब मरम्मत में और कितना ज्यादा समय लगने वाला है देखेंगे। साथ ही साथ NHAI के अधिकारियों को भी निर्देश जारी करने वाले हैं। देखिए, ठीक 1 महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन अब ये मसला पूरी तरह से फिर लटक गया है। काफी समय इसमें लगेगा भारी बारिश के चलते, क्योंकि ये हाईवे भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। अब नितिन गडकरी खुद हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं और सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करेंगे। कुल्लू और मंडी में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, यहीं पर प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। उसके बाद हो सकता है कोई और बड़ा फैसला भी राहत पैकेज को लेकर यहां पर लिया जाए। यही एक कारण था कि बार बार PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह की ओर से आग्रह किया गया केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष कि वो हिमाचल आए, यहां का दौरा करें, यहां के हालातों को देखे, और फिलहाल उनके आग्रह को स्वीकार भी किया गया है। राजस्व सेवाएं महंगी होंगी, आज पहली हेडलाइन हमारी ये थी, क्योंकि बड़ी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। सरकार की ओर से पिछली कैबिनेट में ही इसे लेकर डिसीजन हो चुका है। दरअसल जो फीस बढ़ाई जाएगी रेवेन्यू सर्विसेज की, उसका युक्तिकरण कर लिया गया है पिछली कैबिनेट में। हालांकि अभी मॉनसून सेशन में ये पूरा मसला जाना है, उससे पहले प्रस्ताव तैयार किया जाएगा, उसके बाद ही जमीन से संबंधित जितनी भी सेवाएं हैं वो महंगी कर दी जाएंगी। फिर चाहे रजिस्ट्री को लेकर बात करें, इंतकाल को लेकर जानकारी दें, या इसके अतिरिक्त जमाबंदी तक के जितने भी कार्य रहेंगे उसका शुल्क बढ़ाया जाएगा। हालांकि ये शुल्क कितना बढ़ेगा, जब राजस्व विभाग की ओर से लेकर अधिसूचना जारी होगी तभी ये बात स्पष्ट हो पाएगी। अतिरिक्त राजस्व जुटाया जा सके, इसी लक्ष्य से अभी राजस्व सेवाएं महंगी की जा रही है। लेकिन बड़ी बात, जैसा कि हमने कहा, मॉनसून सेशन में देखिए ये मसला जाने वाला है। इसके लिए इंडियन स्टैंप एक्ट में संशोधन किया जाएगा, और संशोधन जब होना है तो लाजमी सी बात है विधानसभा सेशन में ही ये संभव हो सकेगा।